हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सिनेमा विद रिति। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिपुरुष मूवी के बारे में, जिसका कि अभी क्रिएटर के द्वारा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आया है कि मूवी का टीजर या ट्रेलर कब लॉन्च होगा। लेकिन हमें इस मूवी के बारे में कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी तरीके से पता चल गई हैं कि मूवी किस स्टोरी पर बेस्ड ऑन है और मूवी में स्टार कास्ट कौन कौन से लिए गए हैं। 2023 में रिलीज होने वाली अधिपुरुष मूवी, जिसके कि बारे में हम आपको एक खास बात बता दें कि इस मूवी को वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिनेमा फिल्म में से माना गया है। क्योंकि बात करें इस मूवी के टोटल बजट के बारे में, तो मूवी का बजट है 500 करोड़ अक्रॉस। मूवी के डायरेक्टर हैं ओम रावत और वही मूवी को बनाई जाएगी टी सीरीज के द्वारा। अधिपुरुष मूवी की स्टोरी बेस्ड ऑन है एपिक रामायण पे, जिसमें कि हमें स्टार कास्ट नजर आएंगे। प्रभास एक बार फिर हमें अपने रियल अवतार में नजर आने वाले हैं, क्योंकि जहां तक प्रभास की हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी राधे श्याम, जो कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। प्रभास के बाहुबली मूवी आने के बाद से प्रभास से हमें एक अलग टाइप का एक्सेप्टेशन हो गया है कि इनकी जब भी मूवी आएगी कुछ अलग दिखाएगी, कुछ ब्लॉकबस्टर रहेगा। तो उस हिसाब से अधिपुरुष मूवी जो कि आ चुकी है, हालांकि मूवी को रिलीज होने में भी बहुत टाइम है, लेकिन मूवी का टीजर या ट्रेलर हमें जल्द ही मिलने वाला है। हालांकि मूवी को रिलीज किया जाएगा 12 जनवरी 2023 में, और वही मूवी में स्टार कास्ट लिए गए हैं प्रभास, राघव, और साथ ही साथ देखने को मिलेंगी कृति सैनन, जानकी, सैफ अली खान। अधिपुरुष मूवी में सैफ अली खान रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, और मूवी में म्यूजिक दिया है सचेत और परंपरा ने। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।